आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है पिकल मेकिंग बिजनेस के बारे में, यानी अचार बनाने का बिजनेस के बारे में। बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस जिसमें मशीनरों की कोई आवश्यकता नहीं है, मशीनों की कोई जगह नहीं है इस बिजनेस में, यानी आप स्वयं घर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी पिकल मेकिंग बिजनेस यानी अचार बनाने का बिजनेस के बारे में इस वीडियो पर हम बात करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। तो बने रहिए इस वीडियो पर। भारत में उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट पिकल यानी अचार हर घर में पूरे भारत में उपयोग किया जाता है। यह प्रोडक्ट अचार यानी नॉर्मल सब्जी भी आपके घर में बना हो और आपके साथ अचार मिल जाए तो उस सब्जी का टेस्ट, खाना का टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अचार तेजी से हर घर में यूज किया जाता है और आप अगर सोचिए कि इसका बिजनेस किया जाए तो कितना ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि एक अचार ही ऐसा प्रोडक्ट है जो तेजी से ग्रो कर सकता है आपको बिजनेस को। सबसे बड़ी बात इस पर यह है कि आपको अचार बनाने की विधि को सही ढंग से करना होगा ताकि कस्टमरों के साथ छाप छोड़ सके, पब्लिक में छाप छोड़ सके अचार के ब्रांड का नाम। साथ ही आपके अचार बनाने की विधि सबसे ज़्यादा यहाँ वैल्यू की जाएगी। तो आप अचार की जो विधि है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाएं ताकि आपके जो अचार का छाप है वो लोगों में छोड़ दे। अचार का बिजनेस करने के लिए जो आपको लो मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी उसमें से है आम, गाजर, मिर्च, अदरक, नींबू, कमल ककड़ी इत्यादि चीज़ें हैं। और मसाले की बात किया जाए तो मेथी, सौंठ, राई, जीरा, अजवाइन, कलौंजी, सेक्ट्रा और ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी मस्टर्ड ऑयल की। ये सब अचार को बनाने के लिए लो मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको करना होगा कि आप जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनको सब एक साथ सभी को मिला लें, लपेट लें ताकि सब एक दूसरे से मिल जाएं, ताकि उनका जो रस है वो सभी में तरह से मिल जाए। उसके बाद आपको एक बड़ा कंटेनर लेना होगा और मिलाने के बाद आपको कंटेनर में पूरी तरह से भर दें। भरने के बाद ऊपर में ऑयल डाल दें, तेल की अच्छे से तेल डाल दें, जिसके बाद आप उसको 72 घंटों के लिए रख दें। 72 घंटों रखने के बाद उसको आप पैकिंग बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस पूरा पूरा रेडी हो जाएगा। और सबसे वैल्यू है विधि का, इसका ध्यान जरूर रखें। कहेंगे हम लोग कि इस बिजनेस को कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस बिजनेस को आप घर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं या अपना एक घर से दूर भी, अपना अगर किराए का घर है तो वहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, लागत कितनी लगानी पड़ेगी। तो आपको 10,000 रुपये से लेकर लाखों तक आप इन्वेस्टमेंट इस पर कर सकते हैं, तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद आता है प्रॉफिट, आखिर इसमें कमाई कितनी होती है। तो कमाई की बात करें तो इस बिजनेस पर कमाई लगभग 40,000 से 50,000 या 60,000 पर मंथ आपकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है, अगर आपकी विधि अचार बनाने की सही रही और मार्केट में छाप छोड़ देती है तो 50,000 से 70,000-80,000 तक आपकी मंथली कमाई हो सकती है। इस बिजनेस में जिन लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ेगी वह हम आपको बता देते हैं। तो लाइसेंस है GST, उद्यम, FSSAI, ट्रेडमार्क्स इत्यादि लाइसेंस है जो आपको कि जो बिजनेस है उसको आसानी से शुरू कर सकते हैं, वो भी घर पर या कहीं पर भी शुरुआत कर सकते हैं, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई बिजनेस से रिलेटेड बात है और आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बिजनेस से रिलेटेड बातों को लेकर आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।